और महाराजगंज से इस वक्त सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम देखिए, महाराजगंज का मुकाबला काफी दिलचस्प है। एक तरफ आकाश सिंह हैं जो चुनावी मैदान में हैं कांग्रेस की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। फिलहाल वो तस्वीरें दिखाइए, मतदाताओं में कितना उत्साह है। बिल्कुल रश्मि, आपने सही कहा, आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। महाराजगंज में 5 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और हम सीधे आपको तस्वीर दिखाएंगे जहां पे वोटिंग के लिए सुबह से ही मतदाता लाइन में लगे हुए हैं। एक तरफ पुरुषों को लगाया गया है, दूसरी तरफ महिलाओं को लगाया गया है। राजकीय प्राथमिक उर्दू मध्य विद्यालय कोड़िया मठिया की ये तस्वीर है जहाँ पे सुबह से लोग खड़ी हैं, सुबह से अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक भीड़ यहाँ पे है, हालांकि जो जगह है मतदान की उस लिहाज से जगह कम है, लेकिन फिर भी मतदाताओं में उत्साह है। वो एक नई उम्मीद के साथ, नई आशा की किरणों के साथ यहाँ पे वोटिंग के लिए पहुँचे हैं। छपरा में जिस तरीके से हिंसा हुई थी उसके बाद से यहाँ पे जो सामान्य जनजीवन है वो काफ़ी तेज़ी से सुधरा है और महाराजगंज में जो है इस वक्त अलग अलग जो मतदान केंद्र हैं वो यहाँ पे वोटिंग हो रही है। और सुबह से ही हम दोनों तरफ की तस्वीर दिखाएंगे और स्त्री हो या पुरुष हो वो मतदान में कम नहीं है और खासकर जो महिलाएं हैं उनकी लाइन काफ़ी ज़्यादा है। एक तरफ पुरुष की लाइन है, यहाँ पे संख्या थोड़ी कम है, लेकिन जो पुरुष हैं लेकिन जो महिलाएं हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी देर खड़ी रहते रहते ये थक गई हैं, लिहाजा इन्होंने कुर्सी का सहारा लिया है, लेकिन ये यहाँ पे आई हैं तो ये यहाँ पे वोट गिरा के जाएंगे। दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था के माकूल इंतजाम है, बिहार पुलिस के जवान को लगाया गया है और आसपास के जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उसका सहयोग लगाया गया है। तो साफ तौर से रश्मि ये कहा जा सकता है कि जो लोग हैं उसमें उत्साह है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे, कुछ युवा से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार शाह। संजय कुमार शाह। संजय जी, यहाँ पे वोट कब से खड़े हैं, वोटिंग के लिए कब से खड़े हैं? हम तो ज्यादा देर आधा घंटा हुआ। आधा घंटे से खड़े हैं। ये बताइए कि वोट जो है वो क्या है, विकास के लिए है क्या है? और यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं वो कभी मुलाकात के लिए आए थे आपसे? अभी तो नहीं आए। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पिछले 10 सालों से सांसद हैं, कभी मिले थे आपसे आके या कभी आपके गाँव आए हैं, प्रखंड आए हैं? अभी तो नहीं आए, अब तक नहीं आए हैं। तो इस बार क्या सोचा? इस बार तो कांग्रेस के आकाश सिंह हैं और भाजपा के सिग्रीवाल जी हैं, दोनों के बीच मुकाबला है, क्या लग रहा है? क्या देखिए, दोनों पार्टी का तो टक्कर का लड़ाई है। अच्छा अच्छा, क्या सोच के वोट डाल रहे हैं, क्या मतलब कि क्या आपके मन में कुछ विकास के लिए मतदान कर रहे हैं? ये विकास के लिए मतदान कर रहे हैं? विकास नाम है आपका? नहीं, हम संजय। देखिए विकास है, विकास के लिए मतदान कर रहे हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद कुमार जी, प्रमोद कुमार सिंह। यहाँ कब से वोट खड़े रहे हैं? 4 घंटा से। 4 घंटे से खड़े हैं, यानी इस वक्त 8:30 बजे एक मशीन है यहाँ। हाँ, मशीन का पूरा दोनों तरफ का लाइन दे रहा है वो। दोनों तरफ का लाइन दे रहा है। 2 घंटा हो गया। ये बताइए कि 2 घंटे से खड़े हैं। 2 घंटा हो गया है। ये चीज एक मिनट, ये कौन सा मतदान केंद्र है? ये कोंडिया पंचायत का ना, कोंडिया पंचायत का ये 112 है। देखिए ये जो रश्मि अपने साथ, रश्मि ये एक अहम खबर है कि महाराजगंज में 112 मतदान केंद्र पर जो मतदाता हैं उनका ये आरोप है कि मतदान काफ़ी धीमे से हो रहा है, काफ़ी धीमी गति से वोटिंग हो रही है। और वो पिछले कई मतदाता ऐसे हैं जो 2-2.5 घंटे से यहाँ पे लाइन में खड़े हैं। देखना चाहिए कि आखिर यहाँ पे मतदान की रफ्तार धीमी क्यों है। ये अगर चुनाव आयोग तक ये खबर जारी है, चुनाव आयोग तक निर्वाचन आयोग की तरफ ये खबर जारी है, तो उनको ये देखना चाहिए कि आखिर जो मतदान केंद्र है महाराजगंज में यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे मतदान रफ्तार कम क्यों है। बिल्कुल, जैसा कि खुद हम दिखाना चाहेंगे जहाँ हम खड़े हैं। ये तस्वीर है राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय कौड़िया मठिया की तस्वीर है, चूंकि निर्वाचन आयोग में कैसेस न्यूज को देखा जाता है, लिहाजा जो वहां पे निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी बैठे हुए हैं उन्हें देखना चाहिए। वहां के लोगों की शिकायत है कि यहां पे वोटिंग की रफ्तार काफी कम है। दूसरी तरफ काशिप, जो महिला मतदाता है उनकी काफी संख्या ज्यादा है, हर वर्ग की महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है, वो हर वर्ग से, हर जात से, हर धर्म से यहाँ पे पहुंचे हुए। कुछ मतदाताओं से, महिला मतदाताओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है, वो उनकी पसंद क्या है, उनकी प्राथमिकता क्या है।
क्या नाम है आपका? पुनीता कुमारी। पुनीता कुमारी। पुनीता, ये बताइए कब से खड़ी हैं यहाँ पे? अभी आए हैं। अच्छा, यहाँ क्या सोच के वोट डाल रही है? कुछ मन में होगा ना कि इस बार का सांसद कैसा होगा? कैसे बोलिए, अच्छा होगा सांसद? सांसद अच्छा होना चाहिए। यहाँ के जो मौजूदा सांसद है, मिलने जुलने आते हैं आप लोगों से? जी आए थे। यानी ये अच्छी बात है कि यहाँ की जो स्थानीय सांसद है जादन सिंह सेंगवाल, वो यहाँ से लोगों से मिलने के लिए आते हैं। एक सांसद की यही खूबी होनी चाहिए कि वो लोगों से मिलते जुलते रहें। तो कासिम, ये कहा जा सकता है कि एक तरफ तापमान जो है महाराजगंज में 40 डिग्री के आसपास है, लेकिन लोगों का उत्साह काफी ज्यादा है और लोग मतदान जिस तरह से बताया 40 डिग्री के आसपास तापमान, महिलाओं में उत्साह, पुरुषों में उत्साह, और कहीं ना कहीं जो कारक वो बता रहे हैं विकास को ही बता रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार किस तरह की कांटे की टक्कर? एक तरफ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, दो बार से लोकसभा सांसद, दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश सिंह के सुपुत्र आकाश सिंह है मैदान में। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बिल्कुल कांटे की टक्कर है। कासिम, ये सवाल बिल्कुल आपने अपने सही कहा है, चूंकि हम महाराज के यहाँ काफ़ी दफ़े यहाँ पे आए हैं और ये मान के चलिए कि मुकाबला इस बार किसी भी कीमत पे आसान नहीं है। पिछली बार लोकसभा चुनाव साल 2019 में जब वोटिंग हुई थी तो कई ऐसे सांसद थे जो 2 लाख 2.25 लाख यहाँ तक कि 4-4 लाख मतों के अंतर से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो आंकड़ा होगा, इस बार जो वोटिंग का अंतर होगा वो काफ़ी कम होगा, चूँकि खुद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 2 लाख से ज्यादा मतों से जीते थे, लेकिन यहाँ पे कांटे की लड़ाई है। पहले ऐसा लग रहा था कि सिग्रीवाल के लिए यहाँ की राह आसान है, लेकिन जब से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार आकाश सिंह को उतारा है तो कांग्रेस ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा है। तेजस्वी यादव ने सभा की है, अखिलेश प्रसाद सिंह ने लगातार सभा की है, गौरिया कोठी जैसे जो इलाके हैं वहाँ पे, इसके अलावा जो दलित बस्ती है वहाँ पे, जब हमने वहाँ का जब हमने विजिट किया, वहाँ की जब लोगों से हमने बात की, तो ये साफ साफ पता चला कि मुकाबला कतई आसान नहीं है और जो भी जीतेगा उसको अपने जीतने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ेगा। जी चलिए, बिल्कुल प्रीतम, हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए।